नमस्कार, स्वागत है आपका द नेशनल न्यूज में। हम बात कर रहे हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में। जून के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है। अमेरिका द्वारा ड्यूटी फ्री लाभ हटाने के बाद भारत अमेरिकी सेब और बादाम समेत 29 उत्पादों पर प्रतिकार शुल्क लगाएगा। नई स्टील और एल्यूमिनियम पर भारत को राहत नहीं मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। शुक्रवार शाम को नक्सली हमले में झारखंड के 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। नासा स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर एक किले की तस्वीर ली है, जिसमें हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म स्टार ट्रैक के लोगो से मिलती जुलती आकृति दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आकृति ज्वालामुखी विस्फोट के लावा और हवा के परिणाम से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा संबोधित करते हुए कहा कि अगर बंगाल में रहना है तो बांग्ला बोलनी जरूरी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पूर्व प्रबंधक ई श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत द्वारा कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की योजना देश में कंगाली ला सकती है। उनका कहना है कि दिल्ली मेट्रो इतना सक्षम नहीं है। लालू यादव की बेटी और राष्ट्रीय जनता दल की राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती इन दिनों अपनी सांसद निधि को लेकर चर्चा में है। वे पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में IMA के डॉक्टरों ने सोमवार 17 जून को हड़ताल करने की घोषणा की है। डॉक्टर पर हुए हमले के बाद लगभग 135 डॉक्टर अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान वायु से दोबारा दिशा बदलकर कच्छ पर दस्तक दे सकता है। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए द नेशनल टीवी। नमस्कार।